सो आज मैं आपको कंसिस्टेंसी जो वर्ड है उसका सक्सेस में क्या रोल है उसको मैं इस स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक एजेंट नया नया ज्वाइन होता है। अब उसकी मुलाकात जो होती है उस कंपनी के टॉप अर्नर से होती है जो उस कंपनी में पहले से एक टॉप पोजिशन पर है और करोड़ों रुपये कमाता है। अब जब उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे इंसान से जिसने करोड़ों रुपए कमाए होते हैं इंश्योरेंस बेच बेच के, वो नया इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है उस इंसान से मिलते वक्त। अब जो वो नया इंसान है वो स्टॉक ऑनर से पूछता है कि सर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपने करोड़ों रुपए कमाए हैं और मैं भी आप ही की तरह बनना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स दीजिए जिससे मैं भी आप ही की तरह कामयाब बन पाऊँ, लोगों की हेल्प कर पाऊँ और आप ही की तरह पैसा कमाऊँ। तो वो शख्स उस इंसान से पूछते हैं, क्या तुम सच में कामयाब बनना चाहते हो? क्या तुम सच में लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बहुत अच्छा करना चाहते हो? वो एजेंट बोलता है, सर जो आप कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपकी कामयाबी का सीक्रेट क्या है। तो वो इंसान बोलता है, जब कल तुम ऑफिस आओगे तब एक बहुत बड़े कैलेंडर लेके आना जिसमें पूरे साल के महीने एक ही फ्रेम पर दिख जाए और बड़े बड़े खानों में डेट्स लिखी हो। वो इंसान बोलता है, ठीक है सर मैं ऐसा करूँगा। अगले दिन वो कैलेंडर लेके आता है। अब वो इंसान बोलता है, अब वो शख्स बोलता है, अब तुम इसे अपने केबिन में लगा दो और अब से करना क्या है, एक गोल जरूर करना। जो कंपनी का टॉप अर्नर होता है वो उस नए इंसान से बोलता है कि अब तुम्हें एक गोल डेली करना है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें एक गोल करना है, उसे मिस नहीं करना है। तो वो इंसान पूछता है कि सर सिर्फ एक ही करना है? तो उसके आगे तुम जाए जितनी कर सकते हो, लेकिन एक गोल करके इस कैलेंडर पर रेड कलर के मार्कर से क्रॉस लगा देना कि आज का टास्क पूरा हुआ। तो वो इंसान बोलता है, हाँ ठीक है सर अब से मैं ऐसा करूँगा। तो वो उसके बोलने के मुताबिक वो डेली एक कॉल करता है। फिर अगले दिन फिर आता है वो ऑफिस और फिर कॉल करता है, पर उसका एक कॉल से मन नहीं भरता है। वो एक कॉल करके कैलेंडर पर क्रॉस लगा देता है बट उसका एक कॉल से मन नहीं भरता है, वो दो चार कॉल और कर देता है। तो इसमें होता क्या है कि कॉल तो फिर भी नहीं लगती है बट उन्होंने उस टॉप अर्नर की बात पे कंटिन्यूटी बनाए रही। अब अगले दिन फिर वो एक कॉल करता है और उस कैलेंडर पे क्रॉस लगा देता है। अब तीसरे दिन होता ये है कि वो 10-15 कॉल कर देता है और उसमें से 3-4 इंश्योरेंस बिक जाते हैं। तो उसे बहुत खुशी होती है कि तीसरे दिन 3-4 इंश्योरेंस बिक गए। अब अगले दिन फिर वो आता है ऑफिस में और कॉल करता है, पर फिर उसका मन नहीं भरता है और वो एक साथ 20-30 कॉल कर देता है। तो उसके इंश्योरेंस कम से कम 10-15 इंश्योरेंस बिक जाते हैं, वो बहुत खुश होता है। तो अगले 6 महीने तक वो सर की, वो टॉप अर्नर की इसी बात पे कायम करता है, इसी को कंटिन्यू बनाए रखता है। कंटिन्यूटी बनाए रखता है और फिर वो देखता है कि वो बहुत बिजी हो चुका है और बहुत तेज़ी से अपनी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है, बहुत तेज़ी से अपनी इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा है। और उसने यहाँ पे एक फंडा लगाया है उन सर की बात का जो उन्होंने बोला था, टॉप अर्नर ने जो बोला था उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बोली थी कि डोंट ब्रेक द चेन, आप कंटिन्यूटी बनाए रखो कंटिन्यूटी, ताकि आप इम्प्रूव होते जाओ डे बाय डे। सो इस तरीके से अगर अपन कुछ भी करना चाहते हो
तो डेली वन टास्क, वो बोलते भी है ना कि वन डिग्री कैन चेंज योर लाइफ, कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। सो इस तरीके से अब डेली छोटे छोटे स्टेप्स डेली लो, एकदम से बड़े स्टेप्स नहीं लेना। जैसे जिम में एक इंसान जाता है तो वो एक दो घंटे डेली एक्सरसाइज, मतलब एक साथ एक्सरसाइज कर क्या सोचता है कि हाँ मैं बॉडी बना लूँगा, और अगले दिन थक कार के घर पर बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, डेली करना है वर्कआउट, बट थोड़ा थोड़ा कि अगले दिन भी अपन कर पाए। सो डू नॉट ब्रेक द चेन, कंटिन्यूटी बनाए रखो। अगर आपके टीचर ने आपको एक बुक दी है पढ़ने के लिए, तो रादर देन आप एक दिन को एक ही दिन में पूरी फिनिश करने की कोशिश करो, इससे अच्छा आप डेली एक चैप्टर कंप्लीट करो। लेकिन डेली, ऐसा नहीं कि आज चार पांच चैप्टर पढ़ लिए और कल सो रहे हैं। तो आप समझ रहे हो ना कि कंटिन्यूटी में क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। कंसिस्टेंसी वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो वर्क ऑन दिस रूल, डू नॉट ब्रेक द चेन। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।